हेलो बेबी, व्हाट्स अप? अच्छा विभु, वो जो मैंने तुम्हें साड़ी ड्राई क्लीन करने के लिए दी थी ना, उसकी स्लिप ही नहीं मिल रही है। बेबी वो ड्रॉअर में होगी ना, वहीं पर ही। अरे बाबा, किया ना मैंने चेक, स्लिप नहीं है, सारे ड्रॉर्स चेक किए। तो टेबल के आसपास देखो, नीचे कहीं गिर गई होगी। विभु, मैं तुम्हें क्यों कॉल करती अगर मुझे मिल जाती? मैंने हर जगह चेक कर लिया, घर में है ही नहीं वो। मुझे लगता है तुम्हारी पैंट की जेब में, जरा देखो ना अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के। एक मिनट देखता हूँ। अबे क्या कर रहा है? ये पैंट की जेब में भी नहीं है बेबी। बेबू, तुमने कौन सा साइड चेक किया? लेफ्ट साइड। एग्जैक्टली, राइट साइड भी तो होता है ना, वो भी चेक करना पड़ता है। चेक करो। नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अरे तो शर्ट की जेब चेक करो ना, क्या मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा तुम्हें? शर्ट में भी नहीं बेबी। अच्छा मैं रखता हूँ, बाय। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। पैंट की पीछे की जेब में भी चेक करो। यार टू मच, यार यार टू मच। चुपचाप चेक करो और पैंट की दोनों साइड की जेब चेक करना, अभी करो अभी। सो डिफिकल्ट समटाइम्स। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। एक शराबी ने दूसरे शराबी की गाड़ी को ठोका। जिस शराबी ने ठोका वो मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला विभूति नारायण मिश्रा था। अब इस इज्जत एहतराम से बुलाने लग गए लोग, मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला विभूति नारायण मिश्रा। वाह, क्या इज्जत, क्या अफसाना है, इससे बेहतर तो मर ही जाना है। वाह वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही है, क्या शेर अर्ज किया है। क्या इज्जत, क्या अफसाना है, इससे बेहतर तो मर ही जाना है। वाह, अरे वाह, सच में ये तो शेर बन गया। तिवारी जी, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। आपका ये यूं ही तो हमें टू ही कर देता है भाभी जी। जी क्या फरमाया आपने? हमने कहा भाभी जी, आपकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है, आप जो कहती हैं वो किवदंती बन जाता है। क्या किव, क्या किव, किव? किवदंती। तिवारी जी, आप भी ना पता नहीं कहां से पकड़ पकड़ के शब्द मारते हैं। भाभी जी, आपको देखते ही पता नहीं कहां कहां से शब्द आ जाते हैं। तिवारी जी, मेरा तो दिल हल्का हो गया, अच्छा हुआ आप आ गए। पता है आपको मैं कितनी टेंशन में बैठी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं तिवारी जी, मैं तो ऊब गई हूँ, बिल्कुल बोर हो गई हूँ इस रोज की रूटीन से। मैं ना तिवारी जी चाहती हूँ कुछ ग्रूमिंग क्लासेस से अलग करूँ, कुछ लाइफ में आगे बढ़ूँ, कुछ कुछ डिफरेंट करूँ। भाभी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही विचार जो है हमारे मन में भी कौंध रहा था। हम भी वह यही सोच रहे थे कि कुछ नया किया जाए, कुछ अंडर गारमेंट से ऊपर उठा जाए। अरे वाह, इसका मतलब आपको भी राम ने नेकी दे ही दी। जी भाभी जी, अगर आपके मन में भी कोई व्यापार को लेकर नया आइडिया आए तो बताइएगा भाभी जी, हम लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। हाँ, ये डॉक्टर साहब अभी तक कौन है यार? यार मुंह को लग रहे हो कि शमशान घाट में पूजा करने तो ना बैठ गो तांत्रिक। यार मुझे बाबा था, ये बबराले से यहाँ पर आने में कितना वक्त लगता है? अबे यार टीका, डॉक्टर छोटी चिरांद है, छोटे छोटे कदमों से आ रहा होगा, 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। हेलो भैया, तुमने शैतान को नाम लिया और छोटा शैतान हाजिर। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। और भाई लोंडो, क्या तफरीबाजी चल रही है आपस में? अरे कछु ना, बस आपका इंतजार कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब, इसी उम्मीद में कि आप हमारे कुंवारेपन के अंधेरे को दूर करेंगे। लोंडो, हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बबराले में कई जगह मैंने तुम लोगों के रिश्ते की बात की, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। सबने मना कर दी। कुछ माँ बाप ने तो तुम लोगों की फोटो देखते ही फाड़ दी। बोले ऐसी मनहूस शक्ल वाले लोंडो से शादी करने से अच्छा है कि हमारी लड़कियां जिंदगी भर घर पे कुंवारे बैठे। लेकिन मैं ऐसे लड़कों से शादी नहीं करूंगा। और टीका की फोटो तो पसंद आ गई मुकी सर। मिट्टी का तेल डालकर एक लड़की ने आग लगा दी। भगवान, इतनी बुरी शक्लें है रही हमारी यार। शक्लें हैं तो हैं, भगवान ने बनाया, इसमें तुम लोगों की क्या गलती?
यार इतनी जलील शक्ल लेकर पैदा हुए हम लोग। नहीं नहीं लौंडो, ऐसे मायूस मत हो, अब शक्लें हैं तो हैं जलील गंदी, लेकिन इसमें तुम लोगों का क्या दोष, ये तो सब भगवान ने बनाया है ना, तो परेशान मत हो, और भगवान चाहेगा तो जल्दी शादी होगी है। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू की क्या बात है इसमें। डॉक्टर साहब जा बात का एहसास कराने के लिए कि हमारी शक्लें कितनी जलील है। नहीं नहीं लौंडो, ऐसे मुंह लटका कर मत बैठो, भगवान पे भरोसा रखो, जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हा? चलो मुझे क्लिनिक पे जाना है, मैं चलता हूँ। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसे हैं बा? आई एम गुड भाभी जी, आई एम ऑल राइट, आप कैसे हैं? हम भी ठीक बा। हाय दिया, हम ना कल रात आपका एक ठो ड्रम देखे। ड्रम नहीं भाभी जी, वो आप ड्रीम कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं जी, आपने मुझे ख्वाब में देखा, ये मेरे लिए अपने आप में एक ख्वाब है। एनीवे आपने क्या देखा ख्वाब में? आई रियली वांट टू हियर कि आपने अपने ख्वाब में हमें कैसे और किस हाल में देखा, प्लीज से। हाँ हाँ बताते हैं। कहा है ना कि हम देखे सपने में कि आप एक ठो बहुत ही बड़ा घपला करके भाग रहे हैं और पब्लिक आपके पीछे भाग रहा है, और फिर आप एकदम से आके हमरे रसोई में आके छुप गए। अभी जी आपने हमें देखा भी ख्वाब में तो इस हाल में देखा, मतलब इतना घटिया ख्वाब देखा आप? किसी का जोर थोड़ी ना चलता है ना। कैसा आदमी सोचता है, इंसान सोचता है वैसे सपने देखता है भाभी जी। आई एम सॉरी टू से एनीवे, मैं आपके पास एक खुशखबरी लेकर आया था। क्या बात करें, क्या है भाभी जी? एक्चुअली मैंने मैचमेकिंग का बिजनेस शुरू किया है। ये क्या होता है? मैं शादी करा दूं भाभी जी। शादियां कराएंगे? ये तो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है। ऑलराइट थैंक यू। जो मैं शादी कराऊंगा ना, वो शादी में बनना आप गाएंगी भाभी। Yes, you, yeah. उस शादियों में बन्ना बन्नी हम गाएंगे। That's true, भाभी जी, that's true. लेकिन लड्डू के भैया हमको ना आए गाने देंगे। मैं लड्डू के भैया के लड्डू सुना बोलिए। भाभी जी आपको मैं बन्ना बन्नी गाने के लिए लाखों दिलवाऊंगा, लाखों, और आप लखपति हो जाएंगे भाभी जी, और जब आप लखपति हो जाएंगी तो लड्डू के भैया जो है आपके पीछे लड्डू लिए भागेंगे। दिया, बन्ना गीत गाने के लाखों रुपए मिलते हैं। मेरा बचा नहीं तो मैं आप में करोड़ों लुटा दूं, करोड़ों। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये लाखों का खेल है जी। हाय दिया, ये बात है ना तो फिर हम तैयार हैं। ये खुशखबरी अम्मा जी को देकर आते हैं। हाय दिया। भाभी जी आई एम सॉरी, मैं आपको अगर छूटे ख्वाब दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या करूं मैं मजबूर। और मजबूरी का नाम है विभूति नारायण मिश्रा। मुझे आपसे जरूरी काम है। ऐसा है भैया कि मैं कोई भी काम सिर्फ शौक के लिए करता हूं। मैं काम के दौरान आपको लटा लटा के बेल्ट से शौक देता रहूंगा। बेल्ट से शौक देंगे? आई लाइक इट। बताइए काम क्या है? काम जो मैं बोलूं और सुताई जो तुम बोलो। आ गए आवारा करती करके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर रोज मैं आवारा करती करके आता हूँ? क्योंकि तुम हर रोज आवारा करती करके आते हो। ये सही नहीं है, कई बार मैं रात को काम करके भी लौटा हूँ, नाइट ड्यूटी। एक बार दो बार लाइफ में, और वो भी तुमने कोई झोल किया, झूठ बोला मुझसे कि मैं काम करके आ रहा हूँ। यार पुरानी बातों को फ्लश करो ना यार। और क्या कर रही हूँ, सारी उम्र से फ्लश ही तो करती आ रही हूँ। यार मैं बड़े अच्छे मूड में आया हूँ आज यार। और मैं भी बहुत अच्छे मूड में तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। कोई नई बात बताओ, वो तुम कई बार कर चुके। इसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। रेडी? ऐसे कौन से हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहे हो जिसमें मुनाफा ही मुनाफा, जरा हम भी तो सुने। कुमारे लाचार शादी के भूखे लौंडों की शादी कराने का बिजनेस। Yes, भाभी जी आपको अच्छे लगते हैं? Of course, भाभी जी क्या गाती हैं आप? You are an unbelievable singer, भाभी जी। अच्छा? जी भाभी जी। अरे
लेकिन लड्डू के भैया को तो ये गाना पसंद ही ना आया हमरा। इसने मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो आपको भगा के लेके आए थे ना। हाँ। सिंपल, उस आदमी को क्या पता कि हरियाणा बनना क्या होता है भाभी जी। उसे बनने की फीलिंग नहीं है, बनने की वफा नहीं है, बनने की जफा नहीं है। ही इज जस्ट ये क्या भाई, हमारे घर के बाहर ये क्या आप ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं? भाई बैल से ध्वनि प्रदूषण का क्या लेना देना, बैल बैल होता है, ध्वनि ध्वनि होती है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, वैसे भी आपके पास कछु काम धंधा नहीं है। माफ कीजिएगा, आज मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन है, नए ऑफिस। भाभी जी विश मी लक। हाँ, लेकिन कहाँ है, किस बात का ऑफिस है? भाई मैंने मैरिज ब्यूरो खोला है। समझ गई है वो। पकड़े हैं दिया, बहुत अच्छे। अरे अंकल जी अपनी फोटो तो भिजवाओ, सामने वाली पार्टी कुछ तो देखेगी ना भाई। अरे भाई वो एड दिए ना, उसके नीचे मेरा ईमेल आईडी है। फीमेल नहीं भाई, फीमेल तो हम दिलवाएंगे आप। मेल मेल, अच्छा नहीं मेल नहीं करनी आती, तो एक काम कीजिए आप मैसेज कर दीजिए। अंकल ये तो हमारा काम है शादी करवाना, अभी हमने हाल में शादी करवाई है, एक कैलिफोर्निया के नगर पार्षद है उनका बेटा था, और अपने ये कानपुर के मोहल्ला कमेटी के सदर है उनकी बेटी थी। बड़ी शादी, कमाल की शादी, बहुत धूमधाम से हुई। अंकल एज को लेकर परेशान मत हुई आप, 70 साल की उम्र होती है क्या? अरे ये शादी की ही तो उम्र होती है जब इंसान पक जाता, मतलब परिपक्व हो चुका होता है, खड़ी नहीं हो पाते। तो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी शादी हम बैठे बैठे ही करा देंगे, मौत ही कराएंगे सर। ओके सर, मेरा जरा अपॉइंटमेंट मैं करता हूं आपको बाद में, ठीक है? आप पैसे रेडी रखिएगा। ऑल राइट। हेलो भैया। और भाई लौंडो। हेलो सेठ जी, क्या कर रहे हो? हाँ भैया, तुमने तो मतलब लड़कियन को इतना बड़ा स्टॉक इकट्ठे कर रखा हुआ है। अबे लौंडो जब बिजनेस ही यही है, स्टॉक क्यों नहीं होगा भाई, लड़कियां लड़कियां हैं, गर्ल्स आर एवरीवेयर। भैया जी मो की शादी वाला लड़की से करवा दी, वा वाली सफेद वाला लहंगा इससे। पर तूने अपनी शक्ल देखी है बे, हैं? वो कौन है पता है, पेरिस के एमएलए की लड़की है वो, तेरी औकात है बे। तो भैया कचू हमारी औकात के हिसाब से दिखा दो। हाँ ठीक है, ठीक कह रही है आप ना, बस हमारे हिसाब से ऐसा कमाल कमाल दिखा दो कि बस मजा आ जाए। तुम्हारे हिसाब से ठीक है, पता लग जाएगा अभी क्या हिसाब है तुम्हारा। एजुकेशन? कभी स्कूल का मुंह देखा ना हमने। अच्छा कोई खानदान का आता पता? या एक्सक्यूज मी, मतलब खानदान को अतो पतो तो ना है, फ्रेंकली स्पीकिंग। यू नो दैट वाज रियली क्वाइट फ्रैंक। एनीवे और करते क्या हो तुम लोग, व्हाट यू डू फॉर द लिविंग? भैया अभी डिसाइड नहीं करो कि जिंदगी में करना क्या है। क्या बे, तुम तीनों अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहां क्यों आयो? तू बोल। अबे तो बोल ले, 36 का आंकड़ा है जीवन है। मकान तू बोल। सारे जब तुम दोनों ना बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं? अबे बोलोगे नहीं बोलोगे? ये तो संदतिया के मेले का तार। कूल मैन। एक्चुअली भैया हम ये बात कहना चाह रहे थे कि हम तीनों ने ना शादी करने का फैसला किया है। क्या बात है, बहुत अच्छी मेरी बेटी, किस लौंडिया की किस्मत फूटी। भैया कमल खान का अभी हम कछु शादी वादी? जी जी भाभी जी, शादी हम तीनों करने जा रहे हैं। आप तीनों शादी कर रहे हैं? आइडिया कंगारू ले सुना। कंगारू तो जे है, मेरा मतलब भाभी जी आप ना कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं आइडिया, बहुत बहुत खुशी का बात है सच्ची। लेकिन हमको ये तो बताइए कि कौन लड़कियां हैं, वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? अरे करती होगी, इन्हीं की तरह कोई चोरी चकारी जेब कतरी होगी। भैया हल्के में क्यों ले रहे, जिन लड़की से हम शादी कर रहे ना वो खानदानी आ गई, वेल पढ़ी लिखी आ गई। अच्छा
कौन से खानदान से बेटे? चंगेजी खानदान से क्या? आपको कौ करना है कौ खानदान? हाँ, हमको तो ये बात का खुशी है कि जो तीनों हैं इन तीनों का शादी हो रहा है और हम ना आप तीनों की शादी में वो बन्ना बन्नी गाएंगे। अरे बन्ना गीत गा लेना, मुन्ना गीत गा लेना, समझी? पहले जाके हमारे नाश्ता तैयार करो भाई, खोके पे शॉप पे जाना है। ठीक बा, बनाते हैं, रुकिए। हम कब बोले, जैसे ही शादी का मुहूर्त निकलेगा ना हमको बताइएगा, हम ना बन्ना बन्नी का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। मोरी मैया भाभी जी, हम तीनों के लिए भी नाश्ता। हाँ, हाँ, नाश्ता भी लाते हैं। अब बन्नो तेरी अखियां, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तुम तीनों की औकात के अनुसार गिफ्ट भी दे दिया जाएगा। माफी चाहते हैं भैया, डोंट टेक अदरवाइज, हम आपको निमंत्रण देने ना आए। तो क्या मुजरा करने आए बेटी? अगर आप हमें हमारी शादी के लिए 1,00,000 रुपए दे दोगे ना, तो हम मुजरा भी कर देंगे। क्या क्या बोला बेटी, एक बार और बोल। भैया वो कहने का मतलब जे है वो क्या ना, आप ना हम तीनन पे 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, हमें दे दो। अच्छा बेटे, पैसे तो इन्वेस्ट ना कर पाएंगे लेकिन कुछ और इन्वेस्ट जरूर कर देंगे। तनिक मुड़ो थोड़ा, कैश पड़ा हुआ है पीछे, ना सोने में देंगे, सोने थोड़ा में। तिजोरी है, तिजोरी गमले में। अरे एक चूहे तक को खिलाने की औकात नहीं है तुम्हारी, और बीवी को क्या खाक खिलाएंगे? गोबर के कीड़े हो तुम लोग, गोबर के कीड़े, समझे? बेब्स, मैंने 3 दूल्हे तैयार किए और वो तीनों के तीनों बर्बाद हैं, खंडरात, और तुम्हें उन्हें अपने ग्रूमिंग से प्लास्टरिंग करके मेकओवर करना है। इसकी बात करो, टीका मलखान टिल्लू की? यस, टीएमटी की। अरे नहीं बाबा, इतने ढीठ है तीनों लड़के, उनको सिखाते सिखाते तो मेरे पसीने छूट जाएंगे और मेरा सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। इतने बुरे नहीं है यार, आई मीन दे आर मैनेजेबल। नहीं बाबा, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो यार। देखो तुम पूरे बार्गेन में यू विल मेक अराउंड 35,000। रियली? यस। फिर तो मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ढीठ है यार, वो बहुत ढीठ है। ओ गॉड, यार ढीठपन करें तो सूद देना, ठीक हो जाएंगे, लाइन पर आ जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, मैं उन्हें अपने तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से ग्रूम करूंगी। उन्हें ग्रूम करते करते क्या ऐसा ना हो कि तुम्हें ग्रूमिंग की जरूरत पड़े, उन्हें ग्रूमिंग की नहीं, उन्हें ब्रूमिंग की जरूरत है। लोग थिंक ऑफ द डेविल्स एंड द डेविल्स आर देयर। सेठ जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। ठीक है मलखान टिल्लू, अभी आप लोगों की बात हो रही थी। क्या बात है बेलोंडो, तुम्हारा थोबड़ा क्यों लटका हुआ? बंद करो बे, अबे मेरा घर है, कोई मातम खाना नहीं है बे। रोना बंद करो बे, एक तुम्हारी भैया, हम तिवारी भैया के पास में गए थे। हाँ लेकिन हाथ लगे ढाक के 3 पात। कहना क्या चाह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भाभी जी, जैसे ही हमने तिवारी भैया से मुठी कर। हाँ भैया, हाँ भाभी जी, जैसे हमने तिवारी भैया से पैसे मांगे ना, तो उन्होंने लात मार के घर से निकाल दो। लात का मारी तुम्हें? आप जे भी बताना पड़ेगा क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें धक्के मार के क्यों निकाला घर से बाहर? भैया वो हमसे कहने लगे कि तुम्हारे बाप दादा कमा कर छोड़ के गए हैं क्या, और बोलो चलो भागो यहाँ से, एक ढेला नहीं मिलेगो। कसम खा के कह रहा हूँ भाभी जी, उस भुतनी वाले ने इतनी खास खास गालियां दी है कि भाभी जी के सामने बोलने लायक ना है। भाभी जी अगर आगे हो तो आपको बता दूं मैं। नहीं, 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 कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गई। एक दो? नहीं मैं बिल्कुल समझ गई। हो गया तुम्हारा प्लान चौपट। विभूति नारायण मिश्रा नाम है मेरा, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। एक काम करो, तुम घर जाओ, लंबी तान के सो जाओ, कल यही तिवारी घुटनों पे आएगा तुम्हारे घर पे और तुमसे कहेगा कोई हुक्म मेरे आका। ना ही, लेकिन अब बहुत देर हो गया है,
आप बन्ना गीत गायिका का गला इतनी जोर से दबाए हैं कि अब वो कभी ना आई गाएगी, कभी ना आई। ऐसा ना कहो पगली, अगर नहीं गाएगी तो फिर करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना। अका बोले हमारा मतलब है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आई एम सॉरी लड्डू के भैया, आप हमको इतना हर्ट किए, इतना हर्ट किए ना कि बस। वो हर्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं आप हमको, बहुत दुखी किए हैं। अरे तो तुम ही बता दो ना फिर, हम करें क्या, क्या करें कि तुम्हारे अंदर की वो बन्ना गायिका प्रफुल्लित होकर फिर से बन्ना गीत गाने लगे, बताओ। कछु ना ही कीजिए, अब वो गायिका कभी ना ही गाएगी, वो मर चुकी है। अरे इतनी पत्थर दिल भी ना बनो। आप याद कीजिए वो टाइम जब हम गाना गाते थे तो आप हम पर कितना गुस्सा करते थे। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा नहीं करेंगे पगली। गुस्सा तो तब करेंगे ना जब हम कछु गाएंगे, अब हम बन्ना गीत ही ना गाएंगे कभी। ये ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं गाएंगे तो मत गाओ, हम भी खाना पीना सब छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे कछु भी। की का बात हुआ? बिल्कुल वही बात हुआ जो तुम समझ रही हो। तुम बन्ना गीत नहीं गाओगी, हम खाना माना नहीं खाएंगे। भाभी जी नमस्ते। अरे ठीक है, आओ आओ। कैसे हो? बस भाभी जी अच्छे हूँ। आपको आशीर्वाद है जाए ना तो मेरे घर बस जाए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तो चाहती हूँ ये जो तुम तीनों छुट्टे बैल की तरह इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हो ना, तुम तीनों को किसी खूंटे से बांध दिया जाए। जी भाभी जी। देखो बेटी के, असल में एफर्ट्स तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाभी जी, इस बार तो हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुड। क्या है ना टीके, ये शादीशुदा जिंदगी में और ये आवारा गर्दी वाली जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। आवारा गर्दी तो इंसान के खून में होती है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अगर उन नियमों को और कानूनों को दरकिनार कर दिया जाए तो नहीं चलती है शादीशुदा लाइफ। बिल्कुल भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाहिर बात के लिए तो विभूति भैया ने है ना मोको आपके पास भेजा है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड आइडिया। लेकिन ठीक है, देखो मैं सब कुछ पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं बहुत सीरियस टीचर हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क। मेरे एक एक मिनट की कीमत है, मेरे सेशंस की बहुत वैल्यू है। समझ रहे हो ना, मतलब आई चार्ज अ फीस। भाभी जी बिल्कुल पता है। भाभी जी कितना लेती हैं आप, हाउ मच चार्ज? ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं 5,000 rupees पर पर्सन पर 1 आवर सेशन लूंगी। वैसे वैसे मैं 10,000 rupees लेती हूँ। अरे भाभी जी नो प्रॉब्लम, भाभी जी नॉट ए बिग डील, बिग इशू। लीजिए भाभी जी। वाओ, फीस ले आए तुम? जी। वेरी गुड ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जी भाभी जी। हाँ भाभी जी, थोड़े उधर मत तेरी। जी भाभी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ हाँ, हम आ गए, बताइए। कहाँ आ गए, क्यों आ गए? यहाँ कोई इवेंट चल रहा है? यहाँ कोई नौटंकी चल रही है जो आप आ गए देखने के लिए? तो सेशन चल रहा है ना मेरा और टीके का। हाँ लेकिन आप लौंडे की क्लास ले रही है ना भाभी जी, इसलिए। हाँ क्लास ले रही हूँ, प्रोफेशनल सेशन है भाई। गुड फॉर यू तिवारी जी। लेकिन अभी तक आप मेरी बात समझे नहीं है। मैं एक बहुत ही सीरियस टीचर हूँ, यहाँ प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। यहाँ कोई इवेंट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है जो आप ऑडियंस की तरह यहाँ बैठ जाएंगे देखने के लिए। आप क्या चाहते हैं, आपने पैसे दिए तो मैं क्या करूँ, हाथी पे बिठा कर आपका जुलूस निकालूं शायद? आपके शान में कसीदे पढ़ूं या आपकी शान में डांस करूं, व्हाट डू यू वांट? वो हमारी किस्मत कहाँ। देखिए फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे, जोर से बोलिए। नहीं भाई जी, हम तो ये कह रहे थे कि आप ना कहे ना कुछ, आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप कृपा करके अपनी तशरीफ ले जाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या तिवारी जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एक एक मिनट की कीमत है। देख रहे हैं आपके बगल में कौन बैठा है, देख रहे हैं कैसा स्टूडेंट है मेरा, हाँ कितना पुअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उसके ऊपर। आप समझ नहीं रहे मेरे हाथ में कितना बड़ा मैंने बीड़ा उठाया है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा। गॉड ओके ठीक है,
हाँ जी, हाँ भाभी जी, हम फिर से अपना सेशन शुरू करते हैं। जी जी। तो देखो टीके, सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखाना चाहूंगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन ना इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी भाभी जी। मतलब? टीके मतलब ये कि जब तुम अपनी बीवी से पहली बार सुहाग रात में मिलोगे तो तुम्हारा पहला इम्प्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारी बीवी को ऐसा लगना चाहिए कि वाह, मैंने कितने समझदार लड़के से, कितने वेल मैनर्ड लड़के से, कितने डिसिप्लिन लड़के से शादी की है। जी भाभी जी। समझ गए ना। अच्छा तो बताओ कि तुम अपनी बीवी से सबसे पहले क्या कहोगे? मैं बात से कहूंगा, तेरा नाम क्या है री? था तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें उस लड़की का नाम यानी कि अपनी बीवी का नाम तो पहले से पता होगा ना, तुम उससे शादी कर रहे हो। अरे हाँ, जो तो मैं भूल गया, तो वेरी फॉरगॉटन। खैर छोड़ो, देखो दूसरी सलाह ना मैं जो तुम्हें दे रही हूँ वो लिख लो, गांठ बांध के रख लो कि अपनी बीवी की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तुम अगर अपनी बीवी की इज्जत करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेगी, है ना? अगर तुम इज्जत नहीं करोगे तो उससे उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारी इज्जत करे। समझ गए ना? जी जी जी। अच्छा आप बताओ फिर क्या बोलोगे उससे? भाभी जी, सबसे पहले मैं वा के पास भी जाऊंगा जी और पूछूंगा कि मैडम जी कैसी हो, अगर थक गई हो तो आपके पैर दबा दूं और मैं झट से वा के पैर दबाना शुरू कर दूंगा यूं। जो भी बात होगी पेपर पे होगी और करार पे होगी। आपका मतलब है कि कैटरेक्ट बनाएंगे? कैटरेक्ट तो भाभी जी आंखों में होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। अभी ये देखिए क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं आपको हर शादी में बन्ना गाने के लिए आई विल पे यू 10,000 रुपीज, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 देंगे? 10,000 बहुत बड़ी रकम है आपके लिए, आई नो इट, बट यू डिजर्व इट। अब फिर तो ना हम जी भर के बन्ना बन्नी गीत गाएंगे। हाँ भाभी जी आगे बताइए प्लीज। अभी ऑफ कोर्स। हाय दिया, हम थोड़ा नर्वस आ रहे हैं। झूठ भी लग रही है, प्लीज गाइए। ठीक बा। अघोड़ी पे हो के सवार हरियाला बन्ना, अकमर से बांधे तलवार हरियाला बन्ना। That's nice. That's beautiful, भाभी जी, क्या आवाज है आपकी। अब इसके साथ डांस भी कीजिए ना भाभी जी। हाय दिया, अक्का हमको नाचना भी पड़ेगा। भाभी जी क्या है कि वही तो एक्स फैक्टर है। वो क्या होता है? भाभी जी जो आपके पास है ना वो किसी के पास नहीं। हमारे पास क्या है? भाभी जी आप में वो उम्फ फैक्टर भी है और एक्स फैक्टर भी है। हाँ तो ये क्या होता है? Don't stress yourself, छोड़ दीजिए, भूल जाइए क्या होता है। Come to the point, अभी जी, please dance कीजिए, गा के। Yeah. ठीक बा। That's it. अच्छी राय करते हैं। Of course, आप करेंगे, you'll do well. अभी जी, all the best. घोड़ी पे होके सवार हरियाला बन्ना, कमर से बांधे तलवार हरियाला बन्ना। घोड़ी पे होके सवार हरियाला बन्ना, हरियाला बन्ना, हरियाला। एक मिनट, ये क्या, ये क्या क्या चल रहा है ये हमारे घर में? Come on तिवारी जी, आपने हमें खाम खाने डिस्टर्ब कर दिया। मैं भाभी जी के साथ कोरियोग्राफी कर रहा था। क्या है कि अगर डांस के साथ साथ गीत और गीत के साथ साथ बन्ना गीत गाएं तो क्या होगा कि ऑडियंस जो है ना पैसे देगी नहीं, फेंकेगी, उड़ाएगी। द मनी विल बी फ्रॉम ऑल ओवर, लॉट्स ऑफ मनी। अच्छा ऐसी बात है? एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, फिर तो आप अंगूरी के सारे जो बन्ने गीत हैं उनको नृत्यबद्ध कर दीजिए। हाउ ग्रेट ऑफ यू। मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना लीजिए ना, अदरक के मजा आ जाएगा। हमरे लिए काफी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।